हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। घर का पका में आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेवरेट फॉर किड्स ओरियो आइसक्रीम। ओरियो आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मजे की बनती है। तो आइए आपको बताते हैं कि ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त सी ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 8 से 10 ओरियो बिस्किट। ये बिस्किट जो है ये इनको हम किसी जिप लॉक बैग में डाल के इनको हम क्रम्बल कर लेंगे, यानी कि इनका हम चूरा बना लेंगे। तो चलिए इसका हम चूरा बनाते हैं। ये एक जिप लॉक बैग है मेरे पास इस तरह का, इसके अंदर मैं इन सबको भर लूंगी और इसको स्पून की मदद से मैं इनको क्रम्बल कर लूंगी। ये देखिए, इनको हल्के हाथ से इस तरह हम इनका जो है वो इनको क्रम्बल कर लेंगे। चलें, ये बिस्किट हमारे जो है वो क्रम्बल हो चुके, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, चलें, हमने यहाँ पे ली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। ये क्रीम हमारी ठंडी है और ये जो बाउल है ये भी हमारा ठंडा है, क्योंकि दोनों चीजों को मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था। ये हम इसमें शामिल करेंगे ठंडी क्रीम। स्पैचलर से इसको अच्छी तरह साफ करके निकाल देंगे और इसको हम स्लो स्पीड पे 5 से 6 मिनट तक बीट करेंगे, इसको फ्लफी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये क्रीम हमारी जो है अच्छी सी बीट हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 180 ml कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप भी इस रेसिपी को देखते हुए कंडेंस मिल्क घर में बनाएं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे की रेसिपी है और कंडेंस मिल्क बाजार से लाने का कोई फायदा नहीं, आप घर में बनाएं, आपको मजा आ जाएगा बनाने का। और ये इतनी मतलब काबिले इस्तेमाल रेसिपी है। एक दफा इसको हम कंडेंस मिल्क को इसके साथ अच्छा सा बीट कर लेते हैं। चलिए, ये कंडेंस मिल्क भी हमारा अच्छा सा बीट हो गया इसके साथ। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये ओरियो क्रम, ये जो हमने शूरा किया था वो इसके अंदर सारा हम स्पैचलर से फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये बड़े मजे की आइसक्रीम बनती है और ये बच्चों को बड़ी पसंद होती है। मेरे घर में तो ये अक्सर बनती है क्योंकि मेरे बच्चे ओरियो बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं, छोटे होते से बचपन से बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं अक्सर उनके लिए बनाती रहती हूँ ये ओरियो आइसक्रीम। आप भी जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, देखना आपको बड़ा मजा आएगा और आपके बच्चे भी बड़ा पसंद करेंगे इस ओरियो आइसक्रीम को। चलिए, ये अच्छा सा फोल्ड हो गया। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भरते हैं और इसको ऊपर से पॉलिथीन शीट से कवर करके तो इसको फ्रीजर में रखेंगे ओवरनाइट। चलें, ये हमारे पास से एक एयर टाइट कंटेनर है, ये इसके अंदर मैं ये सारा जो है वो अपना बैटर है जो इसके अंदर भर दूंगी अच्छी तरह। बाउल को मैं अच्छा सा साफ कर लूंगी। चलें, ये मैंने इसके अंदर सारा भर दिया। ये देखें, अब मेरे पास ये 3-4 और जो थे वो ओरियो बिस्किट थे, इनको मैंने ये छोटे टुकड़ों में कर लिया, तो ये इस तरह इनके ऊपर हम लगा देंगे। ये देखें, ऐसे थोड़े थोड़े गैप पे, ये बड़े मजे के लगते हैं जब मुंह में आते हैं हर बाइट के साथ। देखिए, ये मेरे पास ये पॉलीथीन शीट है, इसको मैं इसके साथ इस तरह कवर कर दूंगी, इसके साथ ऐसे ये आइसक्रीम के साथ इसको बिल्कुल ऐसे चिपका दूंगी
इसके लगाने से ये होता है फ्रेंड कि ये जो हमारी आइसक्रीम है ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी, बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट स्मूथ और क्रीमी जमेगी। ये देखिए ये सारा इसके अंदर कर देते हैं, ये इसके साथ चिपकेगा नहीं, जब ये सुबह फ्रीज हो जाएगी ना तो ये आराम से उतर जाता है। चलें इसको यहाँ पे करते हैं कवर और इसको रख देते हैं फ्रीजर में ओवरनाइट। देखिए फ्रेंड ये इसको हमने ओवरनाइट फ्रीजर में रखा आइसक्रीम को, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हमारी सेट हो गई है, जम गई है बहुत ही मजे की। हाँ ये देखिए बहुत अच्छी सेट हो गई है, इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। ये मेरे पास एक बाउल है, इसके अंदर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, बच्चों के लिए ये बहुत मजे की रेसिपी होती है और ये बच्चों को बड़ी पसंद आती है ओरियो बिस्किट की वजह से। ये ओरियो आइसक्रीम जो है ये सभी बच्चों की बहुत फेवरेट है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत मजे की बनी है आइसक्रीम। तो फ्रेंड आपको मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।